ये उस चर्च के बाद भाई एक इन्होंने अंडरग्राउंड सी वो बना रखी। ये क्या कि जो राजा का महल था ना, ये नो समझ लो उसमें एंट्री है ले, इधर को एंट्री तो उसकी कहीं है पर ये इधर से चर्च की साइड से उसकी एंट्री है। अब एक्चुअली क्या, अब तो अंदर भी लोगों के मकान है, पहले टाइम में जो भी था वो राजा का वो था, मगर अब अंदर मकान है। देखो ये क्या सिस्टम है, जिस भाई ना समझ माओ मान रहे बताइए क्या सोच के कैसे बना रहे हैं, गजब भी चीज बना रही है। मतलब आदमी देखा देखता रहा, जिन्होंने पानी सा टपकन लग रहे, जो वो तू दरे से लिट पे लिट रहे। और कमाल की बात है ये देखो कि ये नीचे की तरह डूब है। अब हो सकता है पहले इसमें पानी डाल कर रख दो, पानी चल दो इसमें अभी, ताकि बाहर से कोई राजा के उसमें एंटर ना कर सका उसकी सिक्योरिटी रीजन के लिए। और ये जो बना रखे ये शायद पानी के ही थे फुहारे चारों तरफ। ये जो नजर आ रहा है ये हो सकता है पहला, ये अभी भी एक मतलब पानी टपकने लगा रहे कि उस टाइम पानी का फुहारा ही सिस्टम बना रखे हो जिससे ठंड रहे और इसका पानी का सर्कल बना रहा सारा। देखो क्या चीज़ बना रखी है, वाह जी वाह जी क्या बात है, बहुत सुंदर भाई साहब, कमाल ही कर रखे भाई। आओ देखो भाई, जिस भाई ने मौका मिला, स्पेन में जिरोना शहर आइयो, जिस भाई ने कभी भी घूमने का मौका मिला जरूर आइयो। और भाई फ्री हुए तो सेवा के लिए हम भी उपलब्ध होंगे भाई ना, जितनी कर सकेंगे हैं, घुमाना फिराना खाना पिलाना। फिर देखो ये भी देखो, ये भी इनकी पुरानी गली है भाई हैं, यानी इधर कोई नहीं, कहीं का पार्क सा है मेरे ख्याल से, एक दीवार आएगी किले की अगर उसका तो अब देखते हैं अभी उसको। ये बात है इसमें भी इन्होंने क्या है, जो टूट आट गया उसको थोड़ा सा सेट करके पार्क सा बना दिया, कुर्सियां लगा दी, फूल पौधे लगा दिए, जो सी दीवारा मेंटेन कर सका वो मेंटेन कर रहे हैं कि लोग आओ इन्हें देखा। देखो क्या बात है, कमाल की चीज़ भाई यही है यूरोप का मौसम और यूरोप की इनकी संभालने की अपनी शक्तियाँ भी हैं, अपनी धरोहर को कैसे संभालते हैं लोग। दुनिया लुटी ना पर अपना नहीं, अपना सेट कर क्या काम, दुनिया में ना तबाही तबाही सारी दुनिया में, पर सही है अब हम क्या कर सकें इसमें, तो हम ही खुद ही नहीं गए खाने को पड़ रही, मान के चलो मेहनत करते हैं वही नहीं के देश में आज के टाइम में, और बहुत से तो भाई अब यहाँ के नेशनल भी हो गए इन्हीं लोग आगे। और मैं मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत से प्यारी भी बैठे हैं। नहीं ये दीवार है इनकी इस किले की, ये जो पूरे जिरोना के साइड में जहाँ जितना भी इसका पुराना एरिया है उसमें ने घुमा के भैया अपना। अब अगर यहाँ से आप लोग देखो ना नज़ारा, ओहो क्या बात है, हर भाई ना क्या होगा भी, हाँ देखने लायक चीज़ है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँ बात, ये जो सामने आपको जंगल नज़र आ रहे ना भाई, एक्चुअली क्या मैं यहाँ पर जैक आ चुके उन जंगलों में ना सारे अपना, ये जो सामने नज़र आ रहे मैं और मेरा भाई एक वरिंदर सहवाज, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में आया था भाई एक एक डेढ़ महीना इधर, हम दोनों भाई हैं ना भाई, ये समझ लो जितने पहाड़ हैं ना उधर दिख रहे हैं, तो इन पहाड़ों पर हम ना तकरीबन सारे आप घूम का आ चुके हम, मतलब ये 16-16 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एरिया जो हम घूम का एक एक दिन में गए, सुबह दोपहर को शाम को निकल जाते, दोपहर को सुबह निकल जाते शाम तक अपना घूम घुमा का वापस आ जाते। तो थोड़ा सी बात अपनी छुट्टियाँ भी हो जाएंगी, और अभी क्या थोड़ी गर्मी होनी शुरू अभी हुई नहीं, धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे व सही फ्लावर्स और अपने फूल पत्ती आऊँगी, फिर उसी हिसाब से चलते हैं। ये सामने वाले पहाड़ ये वाले भाई साहब, इसके अंदर इन्होंने इतनी सोहनी ट्रैकिंग बना रखी ना चलने के लिए, जिसमें जाना है जैसे गोर बना लिया अपने काम में वैसे हिसाब से बना, बहुत जबरदस्त। मतलब ये जो एरिया भाई ये पहाड़ी एरिया है, ये तो समझ लिए होगा आप, देख लिये होंगे चारों तरफ है, तो यहाँ का मौसम मौसम है ना बाकी स्पेन के बजाय बहुत सोहना हवा, मतलब यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती ना ज़्यादा ठंड रहती ना बर्फ पड़ती, इधर इस एरिया में बर्फ भी नहीं पड़ती,
इधर हम रह रहे हैं जीरो ना, इसके 50 किलोमीटर के बाद बर्फ़ पड़ती है, 50-60 किलोमीटर दूर इससे। मगर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती, तो अगर आपने बर्फ़ का नज़ारा लेना तो 50-60 किलोमीटर साइड में जाना पड़ेगा। उस हिसाब से ये भाई वही दीवार चल रही, ऊंचाई पर चढ़ दी चली जाओगी भैया। चलो चढ़ते हैं। लो जी भाई साहब, उसी दीवार पे चढ़ के देखो बाकी का थोड़ा सा और नज़ारा, देखो क्या हवा है, देखो क्या सोने सोने पहाड़ है। प्राकृतिक प्रकृतिक में रह के है ना जो नज़ारा ना वो कहीं नहीं। और ये लोग इतना प्राकृतिक के साथ जुड़े हुए ना भाई, भी हद ही मान जो, मतलब पेड़ के प्रति प्रकृति के प्रति इतने वफादार हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। किसी दिन जिस दिन टाइम लगेगा आप उधर भी जाएंगे पहाड़ा में, ट्रैकिंग बनाई हुई है और मैं दिखाऊंगा कि बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ पर है ना ट्रैकिंग करने लग रहे भाई। वो ये जो से 90-100 साल जीवन है वही जिनने, सही बताऊँ भैया, ये ही नहीं की वजह से जीवा कि ये लोग प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। और भाई साहब इसमें जीना इसी में है बस, इन्ना इनके इन्होंने लत लगा लिया बच्चे ने, कहते हैं 6 साल का बच्चों का इनके गिला पैदल पैदल या साइकिल पे उसको आदत डाल दें। चलो भाई बार अपने कि दरिया नहीं होने बच्चा गद्दे में बैठाना ना जी, एक साइकिल उसकी छोटी सी और दो बड़े जो से उनकी अपनी चलेंगे। देखो भाई ये वही दीवार है मित्रों, आसान सी सड़ गया भाई। चलो चलते हैं आगे, और ऊंचाई पे काफ़ी इसलिए थोड़ा सा वैष्णो माता वाला काम हो रहा है, जैसे वैष्णो माता की चढ़ाई करा वैसी चढ़ाई चढ़ रही है, पहाड़ पर ही है। चलो दिखाते हैं तुम्हें और आगे, ले भाई थोड़ा सा और आगे चढ़ के, ये फिर और आ गया, ये देखो इधर भी देख लो, ये स्टंट बन रहा लकड़ी की उस पर चलाना ही बेटे का, गिर गया ना फिर पता लगेगा। पर लोग हैं रिस्क ले सर, पता नहीं क्या वा? पर सब सबकी अपनी अपनी इंजॉय करने की वो, अभी कोई कैसे करता कोई कैसे करता, इसको इसी में इंजॉय हम लोग ये बात। अच्छा बीच बीच में देखो भाई ये चीज़ सी आ जाए सी, ये मेरे हिसाब से उस टाइम में ये तो देखो, ये तो सब ना पता भाई, ये तो जो बंदूक गोले जो भी लेकर बैठते होंगे इनके सैनिक सुनिक उनके लिए जो रोखे बनाए हैं जड़ थोड़ी मेरा अपना आइडिया, इसमें बैठते होंगे ना पहरेदार लगा के भाई कोई एंटर ना कर जा किले में बाहर ताया जो भी सिस्टम है। अच्छा बीच बीच में इन्होंने ये ऐसे गुम्बद से बना रखे, ये समझ लो कि हो सकता है कि जैसे ऊपर खड़े हो गए सारा का सारा नज़र आ जाए इसमें, तो ये शायद उसी के लिए है कि अभी देख सकें दूर तक कि कोई किले के नज़दीक तो नहीं आ रहा कोई आक्रमणकारी ऐसा हो सकता है, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही हुआ। और देखते हैं देखो क्या ये बात है, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। देखो जहाँ रह रहे हैं ये वो शहर में बस एरिया, बहुत। चलो चलते हैं आगे, ये देखो ये वही दीवार है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो कैसे दूर से दूर तक आ रही है, ये बाउंड्री वॉल है, ये सारा का सारा वही सिस्टम है कि यहाँ जो भी इनके रक्षक सैनिक सुनिक बैठते होंगे किसी ज़माने में। तो ये देखो भाई क्या नज़ारा देखा है ना, और ये पूरा का पूरा देख सैर ये बस है, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो इतनी ऊंचाई पे आ गए। इसलिए क्या चिरोना शहर है ना भाई, ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे देखो ये देखो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, अगर किसी गुंबज पे फिर चढ़ के दिखाऊंगा मैं आपका, और ये बीच के मैं बिल्कुल पहाड़ियों के बीच के चारों तरफ पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ, बहुत खूबसूरत शहर है,
बहुत से अपने यार दोस्त रिश्तेदार ना बार्सिलोना रहो, खास मेरा खास मित्र, खास भाई आयरिस, खास रिश्तेदार मोहन लाल, तो वो बार्सिलोना रहो। बढ़िया रेस्टोरेंट है उसका अपना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। दो बच्चे हैं दोनों, ऑस्ट्रेलिया सेट है, सही है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अब उसको उसको देखो पता क्या, पैसे के हिसाब से बार्सिलोना मेट्रो सिटी, पैसे की कोई कमी नहीं है, काम कर सका। देखो है तो किस्मत के साथ और मेहनत के साथ, पर भाई ने मेहनत करी, उसकी किस्मत बढ़िया काम चला रहेगा, सारा सिस्टम चला उसको, बहुत बढ़िया सिस्टम है सारा। अच्छा रहने के लिए ये है एक्चुअली क्या, हम तो अगर बार्सिलोना बजे तो हमने तो दिल्ली वाली फील आओ बार्सिलोना में जाने के बाद, मतलब अब दिल्ली में कैसी फीलिंग आओ आप समझ ला लो भाई, सारा कुछ है ना बीचा बीचा था, छोटे छोटे कमरे मकान ये वो, पब्लिक इतनी, मेट्रो सिटी अब ये तो हो गई नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर वही बंदा रह सका ज़्यादातर जिसके पास अपने काम है, यहाँ दुकान दुकान अपने ही आए ना कि कहीं, यहाँ भी मिलवाऊँगा अपने हैं भाईचारे, मैं कहीं बंदे ने अपने दुकान कराई ना, ना फिशिंग भाई है उन्हें अपनी दुकान कर रखी, एक दो और बंदे उन्हें भी सहस सहस धीरे धीरे सब तो मिलवाऊँगा, कैसे वो बिजनेस कर रहे, कैसे उन्हें स्ट्रगल कराया, कैसे उन्हें अपना बिजनेस स्टैंड कराया। किसी दिन बार्सिलोना जाऊंगे भाई, मोहन लाल गिल्ला भी बात कराऊंगे, स्वागतम नाम से उनका रेस्टोरेंट है भाई बार्सिलोना में, संत अगुस्ती ने, किसी भाई ने कभी बार्सिलोना जिरोना स्पेन में आवा ना, वहाँ खाना खाना जरूर, बहुत बढ़िया एक नंबर खाना। तो ये कहीं भी गूगल पर मार के आना आप, टोल लेना स्वागतम, मेरे ख्याल का ये जीरो बार्सिलोना का नंबर 1, 2, 3 इसी पे रहती है उसकी रैंकिंग, बहुत बढ़िया कमाल है, बहुत बढ़िया खाना है इसका और बहुत बढ़िया जगह भाई। देखो चारों ये वहाँ से आए, देखो वहाँ से हम आए हैं इसमें, ये बारो बार वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, पर आप सारी की सारी लगे हैं तो पूरा पूरा अपना होम टाउन तो दिखाएंगे। ये बीच में देखो फिर वही आ गया एक और घूम, जैसे मैं बता रहा था ना उधर, ये यही आ गया, ये लव की सीढ़ी तो नेचुरल है, ये भी लगाई है, पहला तो कुछ और सिस्टम होगा इसमें, पर चलते हैं देखते हैं ऊपर क्या इस पर। ये लो जी आगे फिर आप, ये देखो भाई देखो चारों तरफ मतलब पहाड़ नजर है, क्या है चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ही है, बहुत ले भी भाइयो कैसा लगा सैर। अभी जितना मैं इसमें एक वीडियो में दिखा सकूँ उतना दिखाया, अब सहसे अपनी और वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो ये समझो शुरुआत है। अगर तुम यूरोप में घूमना हो और स्पेन ना हो फिर कोई फायदा है, स्पेन आओ। देखो अपने कई मतलब कई बहुत से ऐसे बंदे हैं अपनी साइड के, खास कर हरियाणा के, वो नहीं जानते स्पेन के बारे में इतना, कई बार हम जाओ जैसे कह रहे हैं रहो स्पेन रहो, तो उन्होंने ज़्यादा जर्मनी के बारे में सुने अभी, क्योंकि शुरू तो उठा लोग आया करें थे पैसे पैसे के, उसमें हमारे मेरे फादर साहब भी वहीं आए हैं और हमारे गाँव के बहुत से वहीं आए हैं जर्मन में, तो वो लोग जर्मन के बारे में ज़्यादा जाना, स्पेन के बारे में कम ही जाना, मतलब तो पूछेंगे स्पेन कड़ा सी पड़ा, यूरोप में के करेंसी चला, इतने पीछे तो नेचुरली सी बात है वही बात हो। तो ये भैया भी यूरोपियन का देश है, बढ़िया यूरो की करेंसी इनकी है, तो अगर कोई भाई कभी आवा तो हम तो चाहेंगे भी एक बार इधर स्पेन में जो देखा जाओ, खासकर हमारा शहर जरूर पता लगे भी हाँ देखो मेरे पास स्पेन में इतनी चीज़ा देखने की ना, कि मतलब ऐसे मैं आज भी लग जूँ ना सारे स्पेन भी, मैंने सारे स्पेन में घूमना है। वैसे कि स्पेन ज़्यादा बड़ा देश नहीं है कि एक कोई हिंदुस्तान वाला सिस्टम नहीं है, एक स्टेट नहीं तो दो स्टेट इतना बड़ा होगा, तो पर इसमें घूमने की इतनी जगह ना भाई, कई महीने ना भाई घूमने नहीं जाओगे, इतना बड़ा इतना सिस्टम है इसमें। आगे गर्मियों में इनके जो बीच है ये बीच दिखाओगे,
धीरे धीरे घूमेंगे फिरेंगे और वीडियो बनाएंगे और अपनी वीडियो पाओगे भाई। तो भाई सारे भाई ऐसा निवेदन है, वीडियो ना लाइक करियो, सब्सक्राइब करो चैनल और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भाई मारे से कोई गलती हो कहने सुनने में, देखो प्रोफेशनल तो किसी चीज़ का कोई होता नहीं, हम भी नहीं है, हो सकता कोई गलती हो जाए किसी चीज़ की, तो उसके लिए माफ़ी है भाई पहले तो हैं। तो भाई बुरा किसी ने मनाना नहीं है, किसी के कोई चीज़ ठेस लगा भी या गलत बात कह दी या वो कह दी, कोशिश करेंगे हम ऐसी कोई बात ना कहवा, मगर अगर फिर भी कोई गलती तो हो जाए उसके लिए माफ़ी पहली है। तो चलते हैं फिर अपनी जर्नी अब आगे शुरू करते हैं और लगातार फिर ये मैं आपको जैसे दिखाई रहा हूँ लगातार वीडियो फिर आती रहेंगी, उसी हिसाब से चलते रहेंगे फिर अपना कारोबार। चलो ज़्यादा ना करते हुए फिर अब आगे की अगली वीडियो शुरू करते हैं।